नमस्कार दर्शक मित्रों, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। शाहदरा जिले की पुलिस ने दो लुटेरों को किया गिरफ्तार, लूट का सामान बरामद। शाहदरा जिला पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए दो लुटेरों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी थाना गांधीनगर के अंतर्गत हुई है। शाहदरा डीसीपी सुरेंद्र चौधरी के अनुसार 27 मई को गांधीनगर थाना को PCR कॉल प्राप्त हुई। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह काम से निकलकर अजीत नगर से घर जा रहा था। जब वह शर्मा हार्डवेयर के पास पहुंचा तो उसे दो लोगों ने घेर लिया। उनमें से एक शिवम था, जो शिकायतकर्ता को जानता था। दूसरे व्यक्ति ने शिकायतकर्ता के गले पर चाकू रख दिया, जबकि शिवम ने उसे धमकाया कि उनके साथ चलो, नहीं तो वे उसकी गर्दन काट देंगे। धमकी के तहत शिकायतकर्ता उनके साथ चल रहा था। दोनों आरोपी उसे गली नंबर 9 में ले गए और उसकी पिछली जेब से उसका बटुआ निकाल लिया, जिसमें 800 रुपये और एक आधार कार्ड था। इसके बाद उसे धक्का देकर भाग गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष गांधीनगर के निर्देशन में सब इंस्पेक्टर विवेक नंदन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। कुछ समय बाद अजीत नगर इलाके में दोनों आरोपी घूमते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम को देखकर वे भागने की कोशिश करने लगे, हालांकि टीम ने उन्हें दबोच लिया। पूछताछ में बताया कि शिवम के खिलाफ पहले से ही अलग अलग थानों में लूट के 4 मामले दर्ज है। वही सूरज के खिलाफ जगतपुरी थाने में चोरी का 1 मामला दर्ज है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।